अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो भाई आज मैं जा रहा हूँ लाहौर। लाहौर क्यों जा रहा हूँ, तो इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे चाचू हैं, वो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो वो कल मतलब उन असर को निकल गए थे सुबह को सवेरे, तो अभी वो मतलब रास्ते में है। और हमारी टिकट है तकरीबन कोई 3 बजे, सही 3:30 बजे हमारी टिकट है। तो अभी हमें जाना है लाहौर, और हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे वालिद साहब और मेरे कज़न। तो सबसे पहले चश्मा उतार देते हैं, काफ़ी फॉर्मल लग रहा है। तो भाई अभी सीन ये है ना कि आपको जब सफ़र करना पड़ता है लंबा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लाड़काना टू लाहौर बाय रोड, और बाय रोड पे मैं जा रहा हूँ वड़ाइच पे। वड़ाइच का सीन ये है कि भाई मतलब कोच है, सही है, उसका डिनर विनर वो देते हैं और रिफ़्रेशमेंट वगैरह थोड़ी करवाते हैं। कोई छोटा सा पैक होता है पैकेट, उसमें चिप्स देते हैं, कोई छोटे से चॉकलेट वगैरह देते हैं, और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो भाई ये सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बड़ा सफ़र कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़बान अटक रही है तो समझ जाइएगा। तो भाई फर्स्ट जो चीज़ है, पहली चीज़ वो ये है कि ये चप्पल, भाई ये जो है ना, ये खाली चप्पल नहीं है, ये आपको मतलब सुकून देगी पूरा सारा, सही है। तो भाई शूज़ पहन के ना जाएं, अगर आप जा रहे हैं तो चप्पल पहने। और उसके अलावा आप कोई ब्लैंकेट या शॉल उठा लें, मतलब जैसे कि क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है। अगर आप गर्मी में जा रहे हो फिर भी गाड़ी में सर्दी होगी, अगर आप सर्दी में जा रहे हो फिर भी सर्दी होगी गाड़ी में, तो भाई ब्लैंकेट या कोई शॉल आपको उठानी पड़ेगी, सही है। और उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है, आप घर से थोड़ा खाना बनवा के जाएं। अगर आप घर से जा रहे हैं तो थोड़ा बनवा के जाएं, अगर आप बाहर से मतलब हॉस्टल लाइफ में तो आप कुछ बाहर से ले लें, क्योंकि वहाँ पर जो अड्डे पर जो खाना देते हैं, वो जो डिनर करवाते हैं, वो मतलब काम चलता है उससे, और इतना मतलब खास नहीं होता कोई। तो इसलिए भाई मैंने घर से कुछ बनवा लिया है, तो वो वहाँ पर खाएंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे वालिद साहब भी मौजूद है, मतलब है मेरे सफ़र के साथ, सही है, सफ़र में साथ हैं। तो भाई पता नहीं ज़बान इतनी क्यों अटक रही है, या इतने दिनों के बाद कैमरा सामने रखी है इसलिए। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करते, चलते हैं इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ। तो हालत है भाई, क्या करें, अभी तक कोई आया भी नहीं है, कोई इतनी कोई शाही लानत किस्म की गाड़ी है, कसम से कोई बंदा मौजूद नहीं है इसको बनाने के लिए। यार ये कोई तरीका होता है, बस पैसों के पैसे लेने के लिए भाग पड़ते हैं, ये हालत है भाई, हालत प्रो मैक्स हुई है, क्या करें भाई। हमारे सामने इतनी गाड़ियाँ गड़ी, पर हमारी ख़राब है, किस्मत ही फूट नहीं हमारी थी भाई। अभी चाय ब्रेक लिए, गाड़ी तो ख़राब हो गई है उस्ताद, ये क्या है यार, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है पूरी, क्या करें अभी, इनका कुछ बोल लेंगे आप, खराब हो गई ये वड़ा है जो जो नहीं है, लाहौर के लिए जा रही है लाड़काना से, अच्छा वो वाली गाड़ी, क्या हो गया उसको यार, उसका जनरेटर ख़राब हो गया, आप उसके बारे में कुछ बोलें यार, जनरेटर वाले उधर बैठे हैं उनको बोलो, वो नहीं आ रहे उनको यार, अभी आप कड़क चाय पिलाओ कसम से, थकान दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, वीआईपी चाय मिलेगी आपको, जी जी उस्ताद, दूध पत्ती मिलेगी, पानी कम दूध ज्यादा भाई। उस्ताद आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल भाई ये चाय बना रहे हैं, और ये शक्कर में हम खड़े हुए हैं अभी के साथ, सही है, चाय भी आई भी मिलेगी इंशाल्लाह, बेफिक्र, वाह 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 वाह, चीनी वीनी हर चीज़ पड़ी हुई है, चीनी पड़ी है, पत्ती पड़ी है, इलायची पड़ी है, छोटी इलायची पड़ी है, अदरक पड़ी हुई है, छोटी इलायची डाल रहे हैं फिर इसमें आप? हाँ हाँ बिल्कुल डली हुई है।
बड़ी कोई हालतों के बाद धक्का लगा के स्टार्ट किया है इसको, धक्का लगाया है पूरी बस वाली आवाम ने भाई। हालत देखो यार, ये वड़ा एच लाहौर वाली लड़का ना टू लाहौर, ये चीज़ ख़राब नहीं हो लेके जा रहा है ये वाली पक्की वाली। तो नाउ वी आर एट इकबालाबाद रहीम यार खान भाई, खाना शाना खा लिया है और ये सूरत हाल है। ये रात को सीन है, 12:17 हो रहे हैं और ये पूरा सुनसान हुआ पड़ा हुआ है। ये सामने हमारी गाड़ी है, ये वाली खटारा मनहूस कहीं की। इस वक्त हम गुलशन में मौजूद हैं और गुलशन में हम क्या कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, चिल। ये देखा भाई ये सीन है, ये बत्ती जल रही है, नीचे हम खड़े हैं और ये बंदा सो रहा है। हेलो भाई जान, हेलो। झूले पे और ये सीन है भाई, सुबह के हो रहे हैं 6, अभी आँख खुली है, रात को सो गए थे और पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं भाई, बड़ी गंदी हालत हुई है। देखते हैं क्या होता है भाई, ड्राइवर साहब हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, रात को ड्राइवर चेंज हुआ था, उसके बाद फिर कुछ सीन सही है भाई। अभी झूला खा रहे हैं, तकरीबन कोई 8 फ्लाइट है, मतलब 8 उनकी फ़्लाइट लैंड होगी चाची वालों की, और तकरीबन कोई वो 9 तक बाहर आ जाएंगे पासपोर्ट वगैरह करवा के, तो चेकआउट वगैरह करवाते मतलब हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। देखते हैं क्या सीन है, फिर वहाँ से ड्राइवर पहुँच जाएगा तो देखते हैं यहाँ पे कब तक पहुँचाती है लाहौर, क्योंकि 2 उधर ही चक्कर में लग गए थे इसको। भाई अभी जा रहे हैं चाय लेने, देखते हैं क्या सीन है। भैया एक चाय दे रहे 100, रेट बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे लाहौर की तरफ आते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, पहले 60 फिर 70 अभी 100, तो ये तो आम सीन है इनके। चाचू वालों को भी मैं रिसीव कर लिया था, तो अभी वापस घर आए हैं, अभी खाना शाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, लड़का ना जाने वापस का सीन है या फिर क्या सीन है। तो भाई ये है सूरत हाल और अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर में। भाई अभी यहाँ आ गए हैं, रहीम यार खान क्रॉस कर लिया है, तो अभी बस रहीम यार खान क्रॉस करके अभी पहला मतलब दूसरा स्टॉप किया है, पहला स्टॉप जैसा मुल्तान में किया था, नाश्ता वाश्ता किया था, तो ये सीन है। बाकी व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा, मोबाइल की बैटरी लो है, तो अभी यहाँ पे फ्यूल अप करवा रहे हैं, देख सकते हैं, तो ये सीन है। बाकी अभी चलते हैं, मिलते हैं घर पर, भाई बहुत थक गए हैं।